सो जो भी हमने अभी तक मॉडल डिस्कस किए हैं बेटा, उनमें कहीं भी हमने डिफॉर्मेशन की बात नहीं की है। इन दी केस ऑफ यूनिट वन सिंगल पार्टिकल मॉडल हो गया, इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल, एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल, जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, जहां पे हम डिफॉर्मेशन की बात करेंगे, बल्जिंग इफेक्ट की बात करेंगे, इसको हम बिकॉज हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो रिजिड स्फीयर नहीं है। न्यूक्लियस की आप कोई पर्टिकुलर बाउंड्री डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब उसको एज ए स्फीयर नहीं मान सकते, उसमें आपके पास बल्जिंग इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। मतलब एक साइड से न्यूक्लियर डेंसिटी हो सकता है ज्यादा हो जाए, बाहर निकलने की कोशिश करे जस्ट लाइक रग्बी बॉल, दूसरी साइड से हो सकता है कि वो पिचक जाए। बल्जिंग इफेक्ट का फंडा इसमें हमेशा ही रहेगा। लेटर स्टेज में बताऊंगा बल्जिंग क्या होगी। आपकी जो न्यूक्लियर सर्फेस है उसमें वाइब्रेशन भी हो सकती है, उसमें थोड़ा थोड़ा रोटेशन मोशन भी हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या रहेगा, आपके आपकी जो न्यूक्लियर बाउंड्री है दैट विल नॉट बी ए रिजिड स्फीयर। उसकी वजह से हम क्या करेंगे, आपके पास जो न्यूक्लियर सरफेस को पैरामीटराइजेशन की बात करेंगे, मतलब अगर न्यूक्लियस की जो सरफेस है वो स्फीयर नहीं है तो उसको वॉल्यूम को आप 4π/4π3π r³ नहीं लिख सकते। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग थीटा एंड फाई की डिपेंडेंस लगानी पड़ेगी जो कि आपके रेडियस को मैनिपुलेट करेगी विद रिस्पेक्ट टू योर बल्जिंग इफेक्ट्स। मतलब अगर आपकी न्यूक्लियर सर्फेस पिचक गई या आपकी बल्जिंग बाहर हो गई, उसकी वजह से आपका रेडियस चेंज हो जाएगा और आपके पास डिफॉर्मेशन का कंसेप्ट आएगा, एंड उसके रिगार्डिंग आपके पास स्फेरिकल हार्मोनिक्स रह जाएंगे। स्फेरिकल हार्मोनिक्स दीज आर डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई, इसी वजह से हम इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज होंगी विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, मतलब स्फेरिकल हार्मोनिक जब ट्रांसफॉर्म करेगा फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके रिगार्डिंग हम क्या करें बात करेंगे, रोटेशन मैट्रिसेस के बारे में। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ रिलेट करने के लिए हम रोटेशन मैट्रिसेस की बात करते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड रोटेशन मैट्रिसेस। सो आज का जो टॉपिक है देवानाथन की बुक से है बेटा, पेज नंबर नोट कर लीजिएगा 46। सो चैप्टर नंबर होगा इसका मोस्टली 4। सो डेफिनेशन ऑफ रोटेशन मैट्रिसेस क्या रहेगी, अगर आपके पास कोई भी एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, यहाँ पे हम वेव फंक्शन की फॉर्म में लिख रखा है, सो इट इज ए वेव फंक्शन ऑन द स्क्रीन दे रखा है बेटा, साई ऑफ जे ऑफ एम प्राइम विद रिस्पेक्ट टू साई ऑफ जे ऑफ आर जे ऑफ एम। सो अगर आपके पास कोई भी वेव फंक्शन है, कोई भी एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है दैट इज इन ए ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर हम उसको न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब उसको अगर अपने अपने क्या किया कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है या आपका वेव फंक्शन है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इन द केस ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी वजह से यहाँ पे आर लिखा हुआ है और वहां पे क्या लिखा है, आर प्राइम लिखा है। सो जब हम वेव फंक्शन को या फिर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो डिफर कर जाएंगी, जिसको हम ट्रेस करेंगे बाय यूजिंग आपके डी मैट्रिसेस एलिमेंट्स के। सो इसको क्या बोलेंगे बेटा, दीज डिनोट दी एलिमेंट्स ऑफ दी रोटेशन मैट्रिक्स। तो ये एलिमेंट्स रहेंगे रोटेशन मैट्रिक्स के जो आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर के साथ रोटेट करेंगे, रिलेट करेंगे। तो सो रोटेशनल मैट्रिसेस डिफाइन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आइगन फंक्शंस अंडर द रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर डी डिनोट द एलिमेंट्स ऑफ द रोटेशनल मैट्रिक्स, द रोटेशन बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ थ्री आइलर एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा। अपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि आपके पास कोई भी किसी तरह की भी रोटेशन हो, आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ थ्री आइलर एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा। सो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं अल्फा बीटा गामा को, वो भी देखेंगे। जेड वाई जेड के साथ डिनोट किया जाता है रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, देन वाई एक्सिस, देन अगेन जेड एक्सिस। तो कोई भी रोटेशन आप आइलर एंगल के साथ ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, एंगुलर मोमेंटम आइगन फंक्शंस आर इन दी रोटेटेड फ्रेम, उसको लिखा हुआ है बेटा रोटेटेड फ्रेम में हमारे पास दे रखा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अनरोटेटेड सिस्टम है उसके विद रिस्पेक्ट टू जो मैट्रिक्स एलिमेंट आएंगे वो डी के साथ रिलेट होंगे, वो सारे का सारा फंडा दे रखा है। एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा ओनली विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर्स होगा, दैट इज टेंसर ऑफ रैंक वन। अगर आपके पास हायर सिमेट्री आती है, अगर आप हायर डायमेंशन में जाने की बात करते हैं, देन फॉर इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए इट इज इजीली टू शो दैट फंक्शन ट्रांसफॉर्म एज ए स्फेरिकल कंपोनेंट ऑफ इरिड्यूसिबल टेंसर ऑफ रैंक जे। मतलब आप हायर डायमेंशन की भी बात कर सकते हैं, टेंसोरियल रैंक की बात कर सकते हैं। अगर आपके पास वेक्टर है तो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, अगर आपके पास टेंसर है
वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। अगर j इक्वल टू वन हो गया तो उस पर जो टेंसर है टेंसर ऑफ ऑर्डर वन वो आपके पास वेक्टर हो जाता है। मतलब मिनिमम आपके पास वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे, उसके अलावा बात नहीं करेंगे। सो सॉरी, रोटेशन इन टर्म्स ऑफ आयलर एंगल्स, रोटेशन को आयलर एंगल की फॉर्म में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हमें पता है बेटा रोटेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रोटेट द कोऑर्डिनेट एक्सिस अबाउट द जेड एक्सिस। हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो 3D एक्सिस हमारी उसको जेड एक्सिस के साथ रोटेट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू रोटेट करेंगे, इसमें जेड एक्सिस फिक्स रहेगी, एक्स एंड वाई घूम जाएंगे एंड जो रोटेशन होगी इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू एंगल अल्फा। जो उसके बाद क्या रहेगा, जब हमने रोटेट कर दिया तो हमारे जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसकी वाई एक्सिस को फिक्स रखना है, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज वाई वन। सो उसके बाद क्या करना है, वाई एक्सिस को फिक्स रखिए न्यू वाली को एंड बीटा एंगल से उसको रोटेट कर दीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को। उसके बाद जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन उसकी जेड एक्सिस को फिक्स कीजिए एंड गामा के साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दीजिए और आपके पास क्या आएगा, टोटल रोटेशन आ जाएगी। सो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात है, अल्फा 0 टू 2 पाई, बीटा 0 टू पाई एंड गामा बिटवीन 0 टू 2 पाई, इसकी लिमिट्स रहती है बेटा, ठीक है। तो इसको आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास दे रखा है, आपके पास अगर हमने अगर अल्फा के तो पहली रोटेशन की बात करें, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप जेड एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग रोटेट करते हैं। यहाँ पे जेड एक्सिस आपके पेपर की पेपर से बाहर आ रही है, मतलब डिनोट नहीं किया कर रखी है, उसको हमने फिक्स कर लिया। सो एक्स एंड वाई को बाय एंगल अल्फा हम यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं। तो नए एक्सिस कौन सी होगी, एक्स वन एंड वाई वन, ओल्ड एक्सिस एक्स एंड वाई एंड आपका जो वेक्टर है ए, उसके जो कंपोनेंट्स रहेंगे ए एक्स एंड ए वाई वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ए एक्स वन एंड ए वाई बनेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये चीज आपने पहले ही लिख रखी है, एक्स वाई जेड को पहले जेड एक्सिस फिक्स कीजिए, उसके बाद वाई एक्सिस, उसके बाद फिर जेड एक्सिस फिक्स कीजिए, अल्फा बीटा गामा के कॉरेस्पॉन्डिंग आप किसी भी रोटेशन को लिख सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए स्फेरिकल वेक्टर अंडर अ रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करते हैं सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, जेड एक्सिस को फिक्स कर लिया है, इसलिए जेड कंपोनेंट इसका नहीं चेंज करेगा, ओनली एक्स एंड वाई कंपोनेंट आपके चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आर रिलेटेड टू द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स इन द ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको रिलेट करने के लिए आपको जो बीएससी में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन इन टू डायमेंशनल स्पेस, उसमें क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा रिगार्डिंग आपके पास ये वाला फैक्टर आ जाता है। उसको आप चेक कर सकते हैं बेटा, ये आपने पहले ही बीएससी में पढ़ा हुआ है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सो इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इन द ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो रिलेशन रहेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं डी मैट्रिक्स। ये ऐसे डी मैट्रिक्स रिलेट नहीं होगा, ये तो ओनली मैट्रिक्स मैट्रिक्स एलिमेंट है, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डी मैट्रिक्स एलिमेंट आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा आपको डी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दिस इज द ओनली वन रोटेशन, ये आपके पास जेड एक्सिस का रोटेशन है। उसके बाद आप क्या करते हैं बेटा, स्फेरिकल कंपोनेंट में है, कार्टेशियन के साथ रिलेशन दे रखा है, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, रेलिवेंस नहीं है। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैट्रिक्स एलिमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं। स्फेरिकल कंपोनेंट्स को कैसे लिखा जाता है कार्टेशियन में, आप एक बार गूगल पे देख लेना बेटा, और यू कैन सिंपली रीराइट जो आपके न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे इन स्फेरिकल सिस्टम, स्फेरिकल कंपोनेंट्स जो होंगे उसको आप मैट्रिक्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन बाय अल्फा उसके साथ रिलेट कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर ओल्ड सिस्टम। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, जब हमने वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट किया, दिस इज द न्यू वाई एक्सिस आफ्टर द रोटेशन, वहां पे वाई कंपोनेंट फिक्स हो जाएगा, बाकी एक्स एंड जेड कंपोनेंट आपके वेरी करेंगे। वहां पे भी वैसे ही लिखेंगे बेटा, cos बीटा माइनस साइन बीटा एंड cos बीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके कंपोनेंट आएंगे। ये भी वैसा ही है जैसे हमने जेड एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है, अदर कंपोनेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट वन हो जाएगा, बाकी सारे कंपोनेंट जीरो हो जाते हैं। तो ये चीज आपने क्लासिकल मैकेनिक्स एमएससी फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो बेटा देख उसको ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे गुप्ता कुमार शर्मा ले लीजिए, चाहे आप जिसको दूसरी कोई बुक उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। So, equations for transformation of the spherical components can be obtained by these values. तो इसको आप देख सकते हैं बेटा, transformation components आराम से देख सकते हैं, अगर आपको कोई problem आती है तो हम handle करेंगे, otherwise ज्यादा important नहीं है। तो हमारा जो main काम है वो physics वाला है, ठीक है जी। तो जो आपका matrix element रहेगा in this case, जो transform होकर आएगा for the case of spherical components ऐसे रहेगा,
ठीक है जी। तो हमने क्या किया अभी तक, सबसे पहले अल्फा के साथ रोटेशन किया तो आपके पास एक मैट्रिक्स एलिमेंट आया, उसके बाद बीटा से रोटेट किया तो आपके पास एक नया मैट्रिक्स एलिमेंट आ गया। जब हम जेड के साथ रोटेट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू गामा हमारे पास एक मैट्रिक्स एलिमेंट आ जाएगा। तो आपके पास टोटल मैट्रिक्स एलिमेंट क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा के कॉरस्पॉन्डिंग, एम ऑफ जेड, एम ऑफ वाई वन एंड एम ऑफ जेड टू के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तीनों मैट्रिक्स एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्टीमेटली आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगी जो आपके पास आपके उसका ट्रांसपोज लेंगे तो टोटल आपके पास डी मैट्रिसेस का रेवोल्यूशन इवॉल्व हो जाएगा। सो रोटेशन मैट्रिसेस के बारे में जो हम बात करेंगे, ऑफ रैंक वन है, डी रेस्ट पावर वन का मतलब होगा कि रैंक वन है, यहाँ पे हम ओनली वेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर हायर ऑर्डर की बात करेंगे दैट विल बी अ सेपरेट थिंग, उसमें टेंसोरियल फोर्सेस का या टेंसोरियल वेक्टर का टेंसोरियल नेचर का आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो भी वेक्टर था, वेक्टर को हमने न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म किया, उसके रिगार्डिंग हमारे पास एक मैट्रिक्स एलिमेंट आ गया, उसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास उसको क्या बोला जाएगा, डी मैट्रिसेस बोला जाएगा, रोटेशन मैट्रिसेस बोला जाएगा। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस एज द रोटेशन मैट्रिक्स डी इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एम डिफाइंड इन द प्रीवियस इक्वेशन। तो ये वाली जो इक्वेशन है बेटा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे उसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा एंड अल्टीमेटली आपके पास ये डी मैट्रिसेस आ जाएगी। ठीक है जी। तो डी मैट्रिसेस जो है जो फर्स्ट ऑर्डर की है उसका जो बेसिक आर्किटेक्चर है ये और कुछ नहीं है बेटा, आयलर एंगल्स दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। उस कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर रोटेशन मैट्रिसेस जो है, अदर रोटेशन मैट्रिसेस भी बना सकते हैं बेटा, जो आपके पास यहाँ पे डी टू है जो सेकंड ऑर्डर का टेंसोरियल टेंसर दे रखा है उसके रिगार्डिंग अगर ट्रांसफर टेंसर को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके पास रोटेशन मैट्रिसेस कैसी आएंगी, उसके रिगार्डिंग भी आपके पास यहाँ पे मटेरियल दे रखा है। ठीक है जी। तो उसके रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पे काफी सारे न्यूमेरिक एक चीज और दे रखी है, there is an alternate simple and elegant way of constructing the elements of rotation matrices of higher dimensions from the elements of rotation matrices of lower dimensions using the inverse of the CG series. So CG series से भी आप Clebsch-Gordan series को भी यहाँ पे introduce करके आप higher rank से higher rank को find out कर सकते हैं using lower rank. तो इसमें D matrices की अपने भी properties रहेगी, जैसे एक CG coefficient की properties रहती हैं। जैसे अगर आप हायर एंगल मोमेंटम स्टेट को लोअर एंगल मोमेंटम स्टेट के साथ रिलेट करते हैं 2000 का सीजी कोएफिशिएंट, वैसे ही आप हायर टेंसर टेंसर की आप अगर आपके पास डी मैट्रिसेस है उसको लोअर रैंक से साथ कंपेयर करना है तो वैसे भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सीजी सीरीज। तो सीजी सीरीज है वो लेटर सीरीज में आएगी, नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। So this latter procedure is applicable for constructing the rotation matrices of both integer and half integer ranks. So half integer ranks में भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। For this purpose we require the rotation matrices of starting from all DG matrices can be obtained by successive application of the inverse CG series. तो ये वाला काम हम कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हमें देखने के लिए भी मिलेंगी। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम दे रखी है, आप करना चाहते हैं ढंग से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है जी। तो ये वाला काम हमारा इतना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है इसके साथ, रोटेशन मैट्रिसेस टू। रोटेशन मैट्रिसेस जो हमने अभी तक डिफाइन की हैं, दोज आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू फाइनाइट रोटेशन। अभी तक हमने ओनली एंड ओनली फाइनाइट रोटेशन की बात की है। अगर आपने ग्रुप थ्योरी ढंग से पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, एमएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स में ग्रुप थ्योरी आती है, वहां पे हमारे पास फाइनाइट रोटेशन भी रहती है, वहां पे हमारे पास इनफाइनाइट सिंबल रोटेशन भी आती है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। सो रोटेशन ऑपरेटर क्या रहेगा, लेट अस कंसीडर इनफाइनाइट रोटेशन डेल्टा अल्फा अबाउट द जेड एक्सिस ऑफ ए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इन्वेस्टिगेट हाउ द वेव फंक्शन विल ट्रांसफॉर्म। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी वेव फंक्शन दे रखा है उसको हम इनफाइनाइट सिंबल रोटेशन के साथ रोटेट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मैट्रिक्स एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, या फिर इसको कैसे रोटेट करेंगे, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा उसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। साई प्राइम के कैसे आएगा, अगर हमारे पास जो ओरिजिनल वेक्टर है या ओरिजिनल वेव फंक्शन है उसके ऊपर एक ऑपरेटर लगाएंगे जो इसको रोटेट करेगा। So this is the rotation operator which causes the rotation of the coordinate system from S to S prime. जो original system है वो S है यहाँ पे, और जो transformed system है उसको हमने S prime लिखा हुआ है, through an infinite symmetric angle that is delta of alpha about the z axis. ठीक है जी। यहाँ पे हमने z axis के regarding बात की है। So आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपका old coordinate system R है, position vector
लेटर स्टेज में क्या रहेगा, आर प्राइम आ जाएगा, जो वेव फंक्शन है वो ट्रांसफॉर्म होके आर प्राइम के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन साई प्राइम आ जाएगा. सो अंडर द रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फिजिकल पॉइंट और पोजीशन वेक्टर चेंजेस फ्रॉम आर टू आर प्राइम एंड द वेव फंक्शन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम साई टू साई प्राइम. तो ये आर आर प्राइम में चेंज होगा और साई जो है साई प्राइम में चेंज हो जाएगा, विच इन टर्न बिकम्स ए न्यू फंक्शन साई प्राइम विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस सीरीज. इसको आप टेलर सीरीज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसको आपके पास क्या आएगा, इसके सिर्फ और सिर्फ जब आपका कोई भी वेक्टर रोटेट करेगा उसके रिगार्डिंग आपके पास क्या आता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन आएगी. बिकॉज आर प्राइम क्या रहेगा, जैसे ए एक्स एंड ए एक्स प्राइम था जैसे मैंने पहले बता रखा है, अगर आप रोटेशन को रोटेशन करेंगे तो वेक्टर के कंपोनेंट्स चेंज करेंगे. इन्होंने यहाँ पे कंपोनेंट्स लिख रखे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर इनफाइनाइट सिंबल रोटेशन. तो एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू डेल्टा अल्फा आ जाएगा एंड वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग जो चेंज आएगा दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू माइनस एक्स इंटू डेल्टा अल्फा आएगा एंड जेड एक्सिस जो है बेटा वो आपकी एज सच रहेगी. तो इसको आप ट्रेस आउट कर सकते हैं. तो इसको आप टेलर सीरीज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, टेलर सीरीज में आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, अल्टीमेटली हमारा एम क्या है यहाँ पे, लास्ट एफ इज ऑब्टेंड बाय अप्लाइंग द टेलर सीरीज एक्सपेंशन एंड नेगलेक्टिंग टर्म कॉरेस्पॉन्डिंग टू हायर पावर्स ऑफ डेल्टा अल्फा एंड सिंस द जेड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन लाइक दिस. इसमें हमारे पास बेटा देखिए दो वेरिएबल है, एक डेल्टा एक एक्स एक्सिस की कॉरेस्पॉन्डिंग एक डेल्टा एक्स है, एक डेल्टा वाई है. तो आपको दो वेरिएबल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइमल्टेनियसली आपको टेलर सीरीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी. उसको आप दो वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं आप देख सकते हैं गूगल पे, आपके बुक्स में वगैरह में दे रखा होगा, शायद बुक्स में नहीं होगा. टू वेरिएबल के लिए कैसे लगाते हैं उसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा. तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस चीज को क्या आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, y into curl by curl x minus x curl by curl y, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, this is the z component of the orbital angular momentum के regarding इंटरप्रेट किया जाता है. so it is equal to minus iota x into curl by curl y minus y curl by curl x के regarding इसको हम इंटरप्रेट करते हैं. सारे का सारा पार्ट वही है बेटा जो हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ रखा है ऑलरेडी. तो ग्रुप थ्योरी अगर आप अगर आपने प्रॉपरली पढ़ी होगी तो उसमें बुक्स में आपके पास मटेरियल दे रखा होगा. सो आपके पास न्यू ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या रहेगा बेटा, ट्रांसफॉर्म फंक्शन जो होगा दैट विल बी ए फंक्शन होगा दैट विल बी साई प्राइम, साई प्राइम इट विल बी गिवन बाय साई प्लस डेल्टा अल्फा तो रहेगा रहेगा, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस योटा इंटू ये वाला फैक्टर यहाँ पे हम क्लब करेंगे और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस योटा के कॉरेस्पॉन्डिंग वन माइनस योटा डेल्टा अल्फा इंटू एल जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये फंक्शन को इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो ये वाला क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास रोटेशन ऑपरेटर हो जाएगा जो कि इस वेक्टर पे रोटेट करेगा या वेव फंक्शन पे रोटेट करेगा तो हमें एक न्यू वेव फंक्शन या वेक्टर मिलेगा. तो इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, हमारे पास जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही आएगा, हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है या स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है. तो इसको हम जनरलाइज कर देंगे बाय यूजिंग कैपिटल जे जेड रादर देन एल जेड. तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, सो इक्वेशन गिव्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन ड्यू टू एन इनफाइनाइट रोटेशन थ्रू एन एंगल डेल्टा अल्फा अबाउट द जेड एक्सिस मेकिंग अ लार्ज नंबर n ऑफ इनफाइनाइट सिंबल रोटेशन वन कैन ऑब्टेन ए फाइनाइट रोटेशन. तो अभी तक हमने जो भी बात की थी विद रिस्पेक्ट टू फाइनाइट रोटेशन वो अपने अब हमने बात की है इनफाइनाइट सिंबल रोटेशन. तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सिंबल को कैसे रोटेट रिलेट करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्लबिंग करनी पड़ेगी इनफाइनाइट सिंबल, मतलब बहुत छोटी छोटी रोटेशन को हमने क्या करना है, क्लब करके एक फाइनाइट बनाने की बात की है यहाँ पे. तो अल्टीमेटली हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन कैसी आएगी, वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर लगाएंगे तो आपके पास ये वाला फैक्टर आएगा. ये वाला फैक्टर कब आएगा, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू अल्फा रादर देन डेल्टा अल्फा, ये हो गया फाइनाइट रोटेशन. फाइनाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट सिंबल रोटेशन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंगली एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे पावर रेज टू पावर एन लिखी हुई है. सो वी हैव टू कंसीडर लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट सिंबल रोटेशंस हियर, इसकी वजह से हमारे पास फाइनाइट रोटेशन जनरेट होगी. तो इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस योटा इनटू अल्फा अगेन रिगार्डिंग, इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका सिंपल सिंपल केस हो जाता है, इसके रिगार्डिंग आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो इन जो फाइनाइट रोटेशन है उसको आप एक्सपोनेंशियल फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. सो वेयर अल्फा इज इक्वल टू एन टाइम्स डेल्टा अल्फा के रिगार्डिंग आप इसको लिखते हैं. सो इन ए सिमिलर वे वी कैन फाइंड रोटेशन
रोटेशन ऑपरेटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू रोटेशन अबाउट दी वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पे कहाँ पे पहुंच रहे हैं, जब हम वही पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था कि आयलर एंगल्स के साथ आप रोटेशन को इंटरप्रेट करेंगे। तो सबसे पहले रोटेशन अबाउट दी जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के क्रॉस अक्रॉस रोटेट किया, उसके बाद क्या करेंगे वाई एक्सिस के क्रॉस, उसके बाद फिर जेड एक्सिस के क्रॉस करेंगे। तो अल्टीमेटली पहले जेड एक्सिस के क्रॉस किया था तो माइनस योटा अल्फा जे जेड आ गया। उसके बाद हम वाई एक्सिस के क्रॉस रोटेट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग बाय एंगल बीटा, तो उसमें क्या आएगा ई रेस पावर माइनस योटा अल्फा की जगह बीटा आ गया एंड जे जेड की जगह यहाँ पे जे वाई आ जाएगा, ठीक है जी। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो एनी रोटेशन इन थ्री डायमेंशन कैन बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ थ्री आयलर एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा। सो इसको कैसे लिखेंगे, ई रेस पावर माइनस योटा अल्फा जे जेड इन कॉरेस्पॉन्डिंगली ई रेस पावर माइनस योटा बीटा जे वाई वन एंड ई रेस पावर माइनस योटा गामा जे जेड टू के रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। तो रोटेशन मैट्रिक्स की जो कंपोनेंट्स रहेंगी, रोटेशन जो रहेगी इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू थ्री आयलर एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्री ऑपरेटर्स जे जेड जे वाई वन एंड जे जेड टू। सो दीज आर दी वी हैव दी फॉलोइंग रिलेशंस बिटवीन दी पैरामीटर सेटिस्फाइंग दी सिंगल रोटेशन। तो ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, फिलहाल की घड़ी यहीं तक रखिए कि आपके पास रोटेशन होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री आयलर एंगल्स आएंगे, फाइनाइट रोटेशन होगी तो हम क्या करेंगे उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कवर अप करने की बात करेंगे। तो ये चीज थोड़ी थोड़ी ग्रुप थ्योरी से रिलेट करती है जो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच, अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताओ बेटा, एनी डाउट्स एनी क्वेश्चंस।